गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और हम पढ़ते हैं पावर पॉइंट स्टडी, ठीक है? आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी, इसमें हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर। मेरा नाम है शशांत और आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में डेली करंट अफेयर। और शाम को इसमें लूसेंट की भी क्लास होती है, जिन बच्चों की लूसेंट को पढ़ना हो वो शाम को लूसेंट की क्लास पढ़ सकते हैं, ठीक है? लूसेंट के बारे में आपको पूरा एक एक जानकारी दिया जाएगी, एक एक पॉइंट समझाया जाएगा, जो भी आपको दिक्कत हो रही हो वो भी बताया जाएगा। और डेली करंट अफेयर में आपको लग रहा है कि किसी चीज़ में कमी है, मतलब किसी भी पॉइंट या किसी चीज़ को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके इस चीज़ को बता सकते हैं, ठीक है? और जितने लोग हो सके उतने लोगों को जोड़िए, क्योंकि डेली करंट अफेयर के बाद इसमें साइंस, मैथ, एसएससी की पूरी तरह से प्रिपरेशन और जो भी एग्जामिनेशन है उनके उनके ऊपर क्या होगा, मतलब जो भी एसएससी की भी तो पूरी प्रिपरेशन की जाएगी इसमें, मगर आपको ये 90 देख होने के बाद चैनल में इसमें पूरी तरह से एसएससी का सिलेबस दिया जाएगा, ठीक है? जो भी पॉइंट, एक एक पॉइंट के बारे में बताया जाएगा। आप हम पढ़ेंगे आज है 10 जनवरी, हम पढ़ेंगे 9 जनवरी की डेली करेंट अफेयर, ठीक है? एक दिन पहले की करेंट अफेयर पढ़ते हैं अपन लोग, ठीक है? टाटा पावर ने, ठीक है, क्या हुआ? टाटा टाटा पावर क्या हुआ? टाटा पावर ने S&P ग्लोबल कॉरपोरेशन क्या किया? टाटा पावर ने S&P, ठीक है, S&P ग्लोबल कॉरपोरेट, ग्लोबल कॉरपोरेट सस्टेन बिलीट असेंसमेंट में क्या किया इन्होंने, इसको क्या बोलते हैं, CSA, क्या किया टाटा पावर ने, S&P ग्लोबल कॉरपोरेशन सेंसेंट बिलिट असेसमेंट, मतलब CSA में क्या किया इन्होंने, उच्चतम पर्यावरण सतत, उच्च पर्यावरण सतत, ठीक है, सतत और शासन स्कोर प्राप्त किया, और शासन स्कोर प्राप्त किया, ठीक है, किसने किया? टाटा पावर ग्रुप ने क्या किया, उच्चतम पर्यावरण सतत एवं शासन स्कोर प्राप्त किया, ठीक है। ये 19वीं शताब्दी की जो कंपनियां हैं, मतलब 19वीं शताब्दी की, कुल 10,000, कितनी, 19वीं शताब्दी की कुल 10,000, कितनी, कुल 10,000 कंपनियों के मूल्यांकन पर, किसके 10,000 कंपनियों के मूल्यांकन, मूल्यांकन के आधार पर टाटा पावर को कितना, टाटा पावर को 100 में से 67 अंक प्राप्त किए, अंक प्राप्त किए, किसने किए, टाटा पावर ने 100 में से कितने, 67 अंक प्राप्त किए, 100 में से कितनी, 10,000 कंपनियों के मूल्यांकन पर टाटा ग्रुप ने इस चीज का क्या किया, 10,000 अंक प्राप्त किए, टाटा ने कितने, 10,000 अंक प्राप्त किए इन कंपनियों के मूल्यांकन के आधार पर। ठीक है, इसका ये पहला पॉइंट है। दुनिया भर के, मतलब ये 19वीं शताब्दी की जो पूरी दुनिया में जो कंपनियां थी उनके आधार पर टाटा को कितने, इतने अंक दिए गए, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे अपन दूसरा पॉइंट, नौ जनवरी को क्या बनाया गया, गुरु गोविंद, गुरु गोविंद
क्या बनाया गया, गुरु गोविंद सिंह जयंती के रूप में मनाया गया, गुरु गोविंद सिंह जयंती के रूप में प्रकाश, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जयंती के रूप में क्या मनाया गया, प्रकाश पर्व के रूप में मनाया गया। कितनी, 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती के रूप में इस दिन को प्रकाश पर्व, ठीक है, प्रकाश पर्व के रूप में मनाया गया, ठीक है। ये क्या थे, सिखों के 10वें गुरु थे, ये सिखों के 10वें गुरु थे ये। क्या था, जब गुरु गोविंद सिंह 9 वर्ष की अवस्था में थे तो इनके 9वें गुरु, ठीक है, इनके 9वें गुरु और उनके शिष्यों की क्या हो गई, हत्या हो गई, एक तरीके से युद्ध में वो शहीद हो गए, ठीक है। तो सिख इनकी 9 साल की उम्र से इन्होंने सिख समुदाय को क्या किया, संबोधित किया, और इन्होंने बताया, और इनके अनुसार 1708 ईस्वी में, ठीक है, इनके अनुसार 1708 ईस्वी में इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को, किसको, गुरु ग्रंथ साहिब को, इनके ही द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब को इन्होंने अपना पवित्र, क्या कहिया, इन्होंने अपना पवित्र ग्रंथ माना, ठीक है। किसने, गुरु गोविंद सिंह ने बताया कि जब इनके इनसे पहले जो थे हर इनसे पहले जो 9वें गुरु थे उनकी हत्या, उनके शिष्यों की हत्या, उनको इनके 10वें गुरु के रूप में इनने पूरे सिख समुदाय को एक तरीके से संबोधित करके 1708 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब को इनने पवित्र ग्रंथ के रूप में माना, ठीक है। सबसे पवित्र, मतलब गुरु ग्रंथ साहिब का सबसे पवित्र ग्रंथ के रूप में मनाया, ठीक है। पेट्रोलियम निर्यातक, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन, ठीक है, ने क्या क्या, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ने कुवैत के हेंथम अल गौस, अल्तम गौस को अपना नया महासचिव बनाया, एक तरीके से हाँ महासचिव बनाया, किसको बनाया, इनको महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया, किसको, हेमथम अल गौस को अपना नया सचिव के रूप में बनाया, जो कि कुवैत के है। इन्होंने पेट्रोल निर्यातक देशों में किस संगठन ने, ठीक है, इनको क्या बनाया अपना, कि भैया आप जो पेट्रोल निर्यातक के महासचिव है वो ये, इनके अनुमति के बिना ना तो पेट्रोल को दिया जाएगा ना ही किसी देश के किसी तरह का पेट्रोलियम समझौता किया जाएगा, ठीक है, ये इन्होंने बता दिया। ये वह कितनी, ये अगस्त 2022 से तीन सालों के लिए ये अपना कार्यभार संभालेंगे, सिर्फ 3 साल के लिए यह महासचिव के पद पर नियुक्त रहेंगे, मतलब इनका कार्यकाल पहले से ही डिसाइड कर दिया जाता है, इनके इनकी अनुमति के बिना कोई भी देश किसी भी दूसरे देश को पेट्रोलियम का कोई भी समझौता या किसी भी तरह का वो ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, ठीक है, इनके हस्ताक्षर होना जरूरी है, चाहे कोई भी देश कुछ भी कहे, ठीक है, पेट्रोलियम देशों के लिए, ठीक है। 9 जनवरी को क्या बनाएगा, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में बनाएगा, ठीक है, क्या बनाएगा, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में बनाया गया, ठीक है, किसको, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। यह कब से मनाया, यह 2003 से, यह 2003 से लगातार मनाया जा रहा है, ठीक है,
ठीक है, 2003 से इसकी शुरुआत हुई थी, कब से? अगस्त से। दो हजार तीन से लगातार इस चीज को मनाया जा रहा है, ठीक है, किसको? प्रवासी दिवस को। इसी दिन, आज ही के दिन, मतलब 2003 से प्रवासी दिवस को लगातार मनाया जा रहा है, ठीक है। और ये इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, किस दिन? इसी दिन 5-9 जनवरी को 1915 में। इसी दिन क्या महात्मा गांधी थे? महात्मा गांधी, ठीक है, जो दक्षिण अफ्रीका के दौरे से लौटे थे। कौन? महात्मा गांधी इसी दिन दक्षिण अफ्रीका के दौरे से लौटे थे। और इन्हीं को, महात्मा गांधी को क्या, इनको कौन सी प्रवासी की उपाधि मिली थी? किसको? महात्मा गांधी को प्रवासी की उपाधि भी इसी दिन मिली थी। किस दिन? जिस दिन ये लौटे थे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, तो इसी दिन ने प्रवासी की उपाधि भी ग्रहण की थी, ठीक है। किसने? महात्मा गांधी ने, ठीक है। मणिपुर राज्य में, मणिपुर राज्य को असम के रास्ते त्रिपुरा से जोड़ने वाली क्या हुआ? मणिपुर राज्य से असम के रास्ते त्रिपुरा को जोड़ने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस, एक्सप्रेस ट्रेन 2022 में इसको क्या दी? हरी झंडी के रूप में क्या कर दिया? छोड़ दिया गया, मतलब इसको हरी झंडी दे दी गई। किसको? मणिपुर राज्य को। मणिपुर राज्य में असम के रास्ते त्रिपुरा को जोड़ने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को 8 जनवरी 2022 को क्या दे दी? हरी झंडी दे दी, ठीक है। इसमें रेल और संचार अलग अलग है दोनों पॉइंट। रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना, प्रौद्योगिकी, ठीक है। मंत्री, मंत्री कौन से मंत्री? अश्वनी, कौन से, किसने हरी झंडी दिखाई? रेलवे संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रबंधक मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या इसको हरी झंडी दिखा दी? इसको, इस ट्रेन को क्या दी? हरी झंडी दिखा दी। यह पहले, मतलब पहले यहाँ पर कोई भी ट्रेन, इस मतलब कोई भी ट्रेन थी, मतलब इस रूट से जो भी ट्रेन जाती थी उसको 6 घंटे, उसको 12 घंटे का सफर लगता था। कितना? 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना? 12 घंटे का समय लगता था। 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना? 12 घंटे। अब 300 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में पूरी की जा सकती है, इस ट्रेन की ये खासियत है, ठीक है। कितनी? 300 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में पूरी की जा सकती है। पहले इसको 12 घंटे लगते थे, कोई भी ट्रेन वहाँ से जाती थी, क्योंकि एक्सप्रेस नहीं थी, ठीक है। उस और मतलब जो भी ट्रेन चलती थी, और ज़्यादा ट्रेन चलती भी नहीं है उस साइड, तो इसलिए वहाँ पर उसको टाइम पीरियड भी इनका बहुत महत्व रखता है। अब इसमें 6 घंटे में इस रास्ते को पूरा किया जा सकता है, ठीक है। पाकिस्तान,
पहली बार सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश नियुक्त करेगा। ठीक है, क्या करेगा? पाकिस्तान पहली बार सर्वोच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश को क्या करेगा? नियुक्त करेगा। ठीक है, यह लाहौर के किसने लाहौर उच्च न्यायालय की न्यायाधीश रहेंगी। ठीक है, उस इनका नाम क्या है? इनका नाम है आसिया मलिक। ठीक है, आसिया मलिक, इनका नाम है आसिया मलिक। ठीक है, और इनकी और ये और ये कब बनेंगे? 2030 में, 2030 में। ठीक है, 2030 में, 30 के बाद कार्यकाल संभालेंगे। मतलब अभी घोषित कर दिया इस सीट को कब तक संभालेंगी? कितने जून 2031 तक ये कार्यकाल संभालेंगे। किसका संभालेंगे? उच्च न्यायाधीश का ये कार्यकाल संभालेंगे। ठीक है, मतलब इन्होंने भी अपने यहाँ से अब अपनी तरक्की पर ध्यान देने लगे शायद। स्वच्छ भारत मिशन के तहत किसके? स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत मिशन के तहत क्या हुआ? स्वच्छ भारत मिशन के तहत दूसरे चरण के कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन के सेकंड स्टेज। ठीक है, सेकंड स्टेज कार्यक्रम के तहत, ठीक है, क्या हुआ? शौच मुक्त गांव, शौच मुक्त गांवों की सूची, शौच मुक्त गांवों की सूची जारी है, जारी की है। ठीक है, इसमें तेलंगाना फर्स्ट पर है। ठीक है, तेलंगाना फर्स्ट पर है। इसमें 14,200 गांवों में, ठीक है, तेलंगाना के 14,200 गांवों में से 13,737 गांव क्या हो गए? स्वच्छ मुक्त हो गए। ये लोग बाहर कर, ये गांव में क्या है? ODF+ सूची है, सूची में है, जो कि कितना है? 96.474%। ठीक है, ये कि इतना है, मतलब तेलंगाना जो फर्स्ट है, मतलब फर्स्ट उसमें हो गया है कि इसमें शौच मुक्त गांवों की सूची जारी की। इसमें तेलंगाना के 14,200 गांव में से 13,737 गांव में ODF+ सूची में है, जो 96.74% है। ठीक है, जो तमिलनाडु में, इसके बाद कौन है? तमिलनाडु, ठीक है, इसमें कितना है? 44-32 गांव में कितना? 35.39%। इसके बाद है कर्नाटक, ठीक है, इसमें 15-11 गांव में 5.59%। मतलब ये लोग बाहर स्वच्छ करने नहीं जाते, अपने घर पे ही एक तरीके से बाथरूम वगैरह का यूज़ करते हैं, इस चीज़ को बताया गया है। ठीक है, इस चीज़ को
बताया गया है, ठीक है। ये तमिलनाडु सरकार द्वारा दिए गए मतलब आंकड़ों के आधार पर है और इनके सर्वों के सर्वे किए गए हैं जिसके आधार पर इस चीज़ को बताया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य में, ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य में क्या बताया गया, जम्मू कश्मीर राज्य में, जम्मू कश्मीर राज्य में 100 मिलियन के निवेश के लिए, 100 मिलियन के निवेश के लिए। जम्मू कश्मीर राज्य में 100 मिलियन, सौ मिलियन के निवेश, जम्मू कश्मीर राज्य में 100 मिलियन के निवेश के लिए दुबई के सैचुरेशन फाइनेंस के साथ समझौते पर ज्ञापन, किसके, दुबई के, दुबई के किसके, सैचुरेशन, इनके साथ क्या किया इस चीज का हस्ताक्षर 100 मिलियन के निवेश के लिए। इस निवेश में ये लोग होटल प्लस वाणिज्य वाणिज्य प्लस से आवासीय, से आवासीय परिसरों का क्या करेंगे, परिसरों का क्या करेंगे, विकास करेंगे, ठीक है। दुबई के सैचुरेशन फाइनेंस ने क्या किया, होटल वाणिज्य और सह इसी के लिए इस चीज़ का क्या करेंगे, एक तरीके से आवासों का एक तरीके से ध्यान रखेंगे और इन चीज़ के ऊपर अपना वर्क करेंगे, ठीक है। ये हो गया पॉइंट, और एक पॉइंट और रह गया आज का लास्ट, आज कुछ ज़्यादा ही करंट अफेयर थी। नासा ने क्या किया, नासा ने जेम्स वेब, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप को 8 जनवरी 2022 को दूसरे हफ्ते में अपना परियोजन चरण पूरा किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 8 जनवरी को क्या किया, इसने अपना क्या किया, दूसरा दो सप्ताह का परियोजन परिनियोजन पूरा किया, ठीक है। मतलब इसको जिस दूरी पर इन लोगों को, नासा वालों को लगाना था उस चीज़ के ऊपर, इतनी दूरी पर इन्होंने उस चीज़ को लगा दिया, ठीक है। जो 2 हफ्तों के परिणाम का चरण पूरा हो गया, यह पृथ्वी से, यह पृथ्वी से कितना, 1 मिलियन मील यानी 1.5 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, 1.5 मिलियन किलोमीटर दूरी पर स्थित कर दिया, ठीक है, इस चीज को स्थित कर दिया। अब यह 13.5 अरब साल पहले बने तारों, सितारों और आकाश गंगा का क्या करेगा, अध्ययन करेगा, आकाश गंगाओं का अध्ययन, अध्ययन करने में क्या करेगा, ये मदद करेगा, ठीक है। क्या होता है कि जो तारे होते हैं उनकी एक विशेषता होती है कि जैसे अभी अपनी पृथ्वी में, पृथ्वी को 1 मिलियन किलोमीटर मतलब 1 मिलियन प्रकाश, मतलब एक प्रकाश से या 100 प्रकाश पर दूरी से देखा जाएगा, तो अभी अपनी पृथ्वी पर जो 100 मतलब 100 साल पहले जो चल रहा होगा वो दिखाई देगा उन लोगों को, मतलब कि
अपन लोगों के बारे में मतलब नई नई अपडेटेड जानकारी नहीं मिलेगी उनको, दिखेगा सिर्फ कि पहले गांव थे और मतलब लोग कैसे रहते थे। आइंस्टीन का टाइम दिखेगा उनको, मतलब 100 साल 150 साल पहले का टाइम दिखेगा। मतलब प्रकाश जो होता है ना वो उल्टी तरह से चलता है, जो अभी होगा वो 100 साल बाद दिखाई देगा उन लोगों को। 100 100 प्रकाश वर्ष दूरी पर अगर वो होंगे तो उन्हें 100 साल पहले का अपन का दिखाई देगा कि 100 साल पहले अपन कैसे थे। अभी के बारे में उन्हें कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। अभी के बारे में विकसित कैसे अपन लोग ये कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। ये चीज़ को बताया गया है, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, जो रह गए उन लोगों को भी ऐड करा दीजिए।